जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम हैं फिलहाल आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन में और आज की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसका इंतजार आप लोग लंबे समय से कर रहे थे। सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि नहरलगुन एसी सुपरफास्ट में आपको जर्नी देख ली। भाई आज वो दिन आ चुका है और आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। आज ये सीरीज का पहला ही वीडियो धमाकेदार है क्योंकि हम लोग अरुणाचल एसी में ट्रैवल करने वाले हैं। भाई रूट हमारा कमाल का होने वाला है, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, छपरा, कटिहार होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी के रास्ते हम लोग पहुँचेंगे हरमुती, वहाँ से निकल जाएंगे नहरलगुन के लिए। काफ़ी कमाल का खूबसूरत रूट है नॉर्थ ईस्ट का और यहाँ पर अपनी जर्नी की शुरुआत होती है। ऐसी ट्रेन है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इंटीरियर बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोई भी जर्नी चाहे लंबी चाहे छोटी, यहाँ पर देख लो पानी की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसे भी ब्लॉग वाले सौरभ भाई हमारे साथ, श्यान जैन भी ट्रैवल कर रहे हैं, संदीप भाई भी ज्वाइन करेंगे, कहाँ से होंगे ज्वाइन, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरा एंड तक देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस जर्नी में हम लोग लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 37 आवर्स में कवर करने वाले हैं इस एसी एक्सप्रेस में। और साथ ही साथ आपको किराए से लेकर बाकी सभी जानकारी, रूट की डिटेल्स इस वीडियो में पूरा एंड तक देखने को मिलेगी। कि जब हमारी ट्रेन की डिपार्चर की तो यहाँ से 4:45 PM चलती है। बहुत सारे ट्रेन को मैंने देखा कि उन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है आनंद विहार टर्मिनल पे, क्योंकि मैंने देखा कि सप्त क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस ऐसी जो इंपॉर्टेंट बिहार की ट्रेनें हैं ना, सब यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। भाई वैसे स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा बना हुआ है, मेंटेनेंस काफ़ी बढ़िया है, शॉप्स वगैरह देखने को मिलती है, एंट्री पे सिक्योरिटी चेक काफ़ी अच्छा है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए एंट्री पे शॉप इसमें 80% का डिस्काउंट है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, आपको दिक्कत कोई नहीं होने वाली है। बिल्कुल ऑन टाइम 4:45 PM पे हम लोग आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। थोड़ा सा भी डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ये चीज़ तो काफ़ी सही लगी मुझे। बाकी सुहेल देव एक्सप्रेस की भी अनाउंसमेंट हो रही थी, मतलब सुहेल देव भी यहीं से चलती है, पहले डीजल से 130 चलती थी, काफ़ी फेमस ट्रेन है इस रूट की। AC 3 tier कोचेस के साथ हमारी ट्रेन बढ़ रही है अपने सफर में, एक फर्स्ट AC, एक कंट्री कार, 5 AC 3 tier के कोचेस। सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सियालदह क्यों निकलते हुए, आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेकिंग। मुरादाबाद मेरठ वाली जो लाइन है वो हमसे अलग होती है, काठगोदाम शताब्दी, देहरादून शताब्दी, सभी ट्रेनें इस रूट में निकल जाती हैं।
बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं अभी कानपुर वाली लाइन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन का अगला पॉइंट सीधा कानपुर सेंट्रल, बीच वाली ट्रेन कहीं नहीं रुकती है और वहाँ से बढ़ जाएंगे हम लोग लखनऊ। एंड जो रूट है हमारा थोड़ा आज भी रिपीट होने वाला है, इसलिए दिल्ली से कानपुर के बीच में जो केवल इंपॉर्टेंट होगा वही कैप्चर करेंगे। बहुत बार हम लोगों ने रूट कवर किया, अगर आप लोग इस रूट को डिटेल में देखना चाहते हो लखनऊ शताब्दी की जर्नी देखो, उसमें आपको रूट के स्टेशन और सभी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, वरना गोमती एक्सप्रेस का ब्लॉग देख सकते हो। बाकी इस ब्लॉग को पूरा एंड तक हमें कवर करना है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, सीधा कानपुर में आपसे मिलते हैं। काफ़ी साफ सुथरी लग रही है पहले इंप्रेशन में, क्यों सौरभ? और मेन चीज़ ये कि ये टॉवल आपको नहीं दिया जाता, इसमें तो बिना मांगे मिल गया यार पेट्रोल के साथ। बाकी सीट्स वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, फ्लोर्स वगैरह भी साफ़ सुथरे हैं, एंड एक्चुअली भी तो तब पता चलेगा जब गाड़ी एक दिन पूरा कर लेंगे हम लोग, कल सुबह तक पता चलेगा कितनी साफ़ सुथरी है, पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड है वो लोग कितना साफ रख पाते हैं। तो भाई दिल्ली कानपुर रूट है 130 की रफ्तार में लगातार ट्रेन आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें एक जर्नी में एक्सपीरियंस करने को मिलती है, उसी में से मेरा बेस्ट चीज़ पता क्या रहती है, एक सनराइज़ और एक सनसेट। सनसेट एंजॉय करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तो भाई यहाँ से दरवाजे में भी नहीं जा रहा था, मैं तो बस इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ करके सनराइज़ को। और जैसे और थोड़ा शाम ढल जाएगी थोड़े बाहर के शॉट आपको दिखाएंगे, गाड़ी तो बढ़िया भागी रही है और ट्रेन में पैंट्री की सर्विसेज अवेलेबल है, तो शाम में कुछ ना कुछ ट्राई किया जाएगा। और स्पेशल बात यह कि अंजलि ने अपने घर से खाना पीना पैक करा के हम लोग के लिए भेजा था, पार्सल किया था, क्योंकि भाई इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी 7-8 डेज से, वो तो घर गई लेकिन खाना वगैरह उन्होंने हमारे लिए पार्सल किया था। क्या आया ये सभी चीज़ आपको दिखाएंगे डिनर टाइम पे, फिलहाल आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जर्नी को एंजॉय करिए। नीलांचल एक्सप्रेस जो है वो भी आज की है अलीगढ़ पे, और हमारी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर रही है, रुक गई थी कह रहे हैं यहाँ पे, अब धीरे धीरे करके निकल रही है यहाँ से। स्टॉप तो नहीं था यहाँ पे इसलिए हम बाहर भी गए नहीं, क्योंकि ट्रेन ने स्पीड बहुत धीरे कर ली थी, मेरे को लगा हाई स्पीड स्किप नहीं होगा, उसके बाद जब रुकी गई तब तो फिर कवर करने का कोई फायदा ही नहीं। यहाँ पे देखो हमारी ट्रेन रात के अंधेरे में रुकी हुई है, पीछे एक और ट्रेन आकर के रुक गई है सिग्नल में, ये देखो यहाँ पे सिग्नल जैसे हमारी ट्रेन ने पार किया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई लोकोमोटिव की ट्रेन यहाँ पे रुक गई और HOG से EOG चालू हो गया है यहाँ पे देर रात में, रूरा के पहले हम लोग कहीं पे रुके हुए हैं। देखो जस्ट ट्रेन ने सिग्नल पार किया, लास्ट के 5-6 कोच बाकी हैं अभी पार होना, इतना ज़्यादा देर से रुकी हुई है कि यहाँ पे पीछे आके एक और कोई ट्रेन रुक गई है, बस उसकी लाइट दिख रही है आपको आसानी से दिख रही होगी, ट्रेन तो नहीं दिख पा रही है। बैक टू बैक भाई दिल्ली कानपुर मेन लाइन है, बैक टू बैक ट्रेनें लगी रहती हैं। श्रेयांश भाई भी एक छोटी सी नैप पूरी करके आ गए, सोन पापड़ी धकेल रहे हैं आराम से। ये देखिए लोकोमोटिव के दोनों पेंटोग्राफ डाउन कर रखे हैं, ट्रेन का EOG चालू हो चुका है, आई थिंक लोकोमोटिव फेल हुआ है भाई ट्रेन का, एकदम बीच सेंटर में लोकोमोटिव बंद है और ट्रेन खड़ी है यहाँ पर।
देखते ही देखते अच्छा खासा समय यहाँ पे बीत जाता है और हम लोग इंतज़ार कर ही रहे होते हैं कि भाई क्या हुआ है ट्रेन को। तो लोकोमोटिव के जो फ्रंट कैबिन है वहाँ पे धुआं देखने को मिलता है, तो पता चलता है कुछ ना कुछ जो हुआ है लोकोमोटिव के साथ, जिसके कारण लोकोमोटिव आगे नहीं चल पा रहा है। तो कानपुर से रेस्क्यू लोकोमोटिव मंगाए जाते हैं, जो कि कानपुर से आने में काफ़ी समय लग जाता है। गुड्स लोकोमोटिव आते हैं ट्विंस, और यहाँ पे आप धुआं भी देख सकते हो कितना ज़्यादा लोकोमोटिव से बाहर आ रहा है। इसके बावजूद इस लोकोमोटिव को ऑफ कर दिया जाता है, ट्रेन के जो ईओजी होती है एंड ऑन जनरेशन उसे ऑन करके ट्रेन को चलाया जाता है, क्योंकि ये एलईडी कोचेस हैं। साथ साथ जो लोकोमोटिव होते हैं ये अब हमें आगे के सफ़र में लेकर के जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो 80 पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो पता नहीं अब हम लोग कानपुर कब पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डिले यहीं पर हो गया है। तो भाई देखने में चलो देखते हैं क्या होता है, कब तक पहुँचेंगे ये पता नहीं है। अब देखो 10:50 पे जाकर के गाड़ी निकली है यहाँ से, और हम लोग ने ट्रेन का खाना मंगा लिया था, और घर से जो अंजलि ने भेजा वो भी है रिव्यू करने के लिए, ये खाना और घर का खाना, ये इतनी सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए बस एक हीरो है हमारे पास, चैंपियन ऑफ द चैंपियन। मुँह छुपाओ, ख़त्म करना है इसको भाई। हावड़ा राजधानी जस्ट पीछे चल रही है हमारे, वो भी ओवरटेक करेगी, पटना भी करेगी और भी सारी गाड़ियाँ करेंगी। देखो सब लेट, सब लेट होगा, कानपुर सब लेट बता रहे। ये अपनी अरुणाचल खड़ी है, बहुत सारी पटना तेजस भी है, संपूर्ण क्रांति सब आ रही है पीछे पीछे, सब ओवरटेक करेंगे। चिल मारो आराम से, 12 बजे तक कानपुर पहुंचोगे, मजा आएगा। यहाँ पे खाना देख लो, ये पेंट्री का खाना है जो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं 11 बजे, क्योंकि गाड़ी लेट है। बाकी सब पूरा पेंट्री का मेन्यू है, दही भी आ चुका है यहाँ पे अपने लिए। और घर का मेन्यू दिखाओ ना, भरवा करेले कोफ्ते राजमा भर के, टंकी भर के दिया है अंजलि ने। अब माने थैंक यू अंजलि भाई, शांत भाई, थैंक यू सौरभ और मैं, तीन ही लोग खाने वाले हैं, और ये 8 आदमी का खाना लग रहा है। प्लीज जल्दी से देखते हैं भाई स्वाद कैसा है चीज़ों का। वेटिंग आउटर कैबिन सी। मैं तो ट्रेन का रिव्यू कर सकता हूँ, ट्रेन का ही रिव्यू किया जाए, देखते हैं कैसा है। एक नंबर बनाया ट्रेन वाला भी, आपने बोला तो मैं भी टेस्ट कर ही लूं। पनीर बढ़िया थी यार, दाल कैसी है? दाल भी काफी बढ़िया है, और इस पनीर खाना हो गया बहुत, मैरिनेशन प्रॉपर है ना इसमें। अब कोफ्ते में अटैक किया जाए भाई, ये कोफ्ते और पराठे देख लो आप समझ जाओगे कैसे बने हैं। और ये रिव्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन लिटरली आंटी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बहुत मस्त है लिटरली यार, क्या स्वाद है, इससे तो स्मेल से ही खुश हो रहे हैं यहाँ पे, खाने तो दूर की बात। ये थी दोस्तों अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो पहला ओवरटेक मार के गई है 11:05 पे। इनका तो लोकोमोटिव हो चुका था फेल, जैसे ही उसको निकाला गया है पहले स्टेशन पे ही मैथा पे ही लूप कर दिया गया है। अब पीछे बहुत बड़ा लाइनअप लगा हुआ है, हावड़ा राजधानी, पटना राजधानी, उसके पीछे सारी इंपॉर्टेंट ट्रेनें, संपूर्ण क्रांति, सब कुछ लगे हुए हैं। और इसका जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो 80-90 का रहने वाला है, क्योंकि गुड्स लोकोमोटिव उसमें लगे हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि सारी गाड़ियाँ इसके आगे पहले निकाल लेंगे वीआईपी वाली, फिर ही इसको अब यहाँ से निकाला जाएगा। देखते हैं भाई पहली कौन सी गाड़ी ओवरटेक करेगी, मुझे लगता है हावड़ा राजधानी पहली होनी चाहिए, उसके बाद पटना और जो भी लाइनअप है वो लगेगा। और लेकिन इसको मुझे लगता है आप कानपुर ये 12:30 तक पहुँचाएंगे, ये सस्पेंस बना हुआ है। कानपुर तक तो मैं ज़रूर आपको दिखाने की हिम्मत रखता हूँ, बाकी थकान काफ़ी ज़्यादा है, खाना बहुत बढ़िया मिला हुआ है अपने को। पे पटना तेजस राजधानी भाई, लो एक और ओवरटेक डन।
थी आम आदमी की राजधानी अपनी संपूर्ण क्रांति, ये सबसे तेज निकली आज। क्यों शायद भाई मजा आया? अरे ये सबसे बेस्ट निकली भाई, गुजबम्स आ गए, मस्त निकली। तो अब देखते हैं भाई और ऐसे ओवरटेक पढ़ते रहेंगे, थोड़ा खाना वगैरह चल रहा था उसे फिनिश किया जाए, वरना ये सब तो होता ही रहेगा। देखो भाई रफ्तार 80 पे आ गई है, क्योंकि हमारी ट्रेन में गुड्स लोकोमोटिव जैसा कि मैंने आपको बताया लगा हुआ है। अब देखते हैं कानपुर कब तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी प्रीमियम ट्रेन को तो निकाल दिया गया है, बस अब हम लोग घिसते हुए कानपुर की ओर पड़ रहे हैं। यहाँ पे देख लो लगभग 12:20 पार हो चुके हैं और यहाँ पे अपनी ट्रेन जाके फाइनली पहुँची अभी कानपुर सेंट्रल पे। डिले जो है लगभग 2 hours 45 minutes से ज़्यादा का यहाँ पे हो चुका है। साहब सोचा नहीं था कि 428 किलोमीटर्स की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन को इतना समय लग जाएगा। जब चली थी तो बहुत ही बढ़िया रफ्तार में चल रही थी, आगे चल करके आपने तो देखा ही क्या हुआ, लोकोमोटिव से धुआं आने लगा, फिर अलग से कानपुर सेंट्रल से लोकोमोटिव मंगवाए गए और रूरा के आसपास ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे करके ट्रेन यहाँ तक पहुँची है, इंडियन रेलवेज़ के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक, बिजनेस रेलवे स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल है अपना, और यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट गए हुए हैं, जैसे कि वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी झांसी वाली लाइन, साथ साथ बांदा चित्रकूट वाली लाइन, इतना ही नहीं अनवरगंज फरुखाबाद कासगंज वाली लाइन यहाँ से गई है, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन जो कि प्रयागराज पटना इन सभी रूट से निकलती है वो लाइन ये भी गई हुई है। हम लोग बढ़ने वाले हैं आज लखनऊ वाली लाइन की ओर, जो कि आगे चलकर उन्नाव से बालामऊ और रायबरेली इन रूट्स के लिए भी निकलती है। तो भाई इसलिए कानपुर सेंट्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, 9 प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लिया गया है, जैसे 10 प्लेटफॉर्म में कानपुर सेंट्रल में आप लोगों को मैं बता दूं, गंगा माता के तट के किनारे बसा हुआ खूबसूरत सा औद्योगिक शहर है, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो रात में भी आपको स्टॉल्स वगैरह खुले मिल जाएंगे। चलिए पानी ले लेते हैं, अपने पास 2 बोतल बची हैं, पर मेरे को पानी हमेशा एक्सेस में ही पसंद है, तो हमेशा सफिशिएंट पानी होना चाहिए अपने पास। भाई पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी का जो लोकोमोटिव मुझे लगता है शायद है कि यहाँ से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि यहाँ तक गुड्स लाए हैं, शायद कानपुर अपना इंजन दे दे WAP-7 या WAG-9 कुछ तो दे, मिनिमम स्पीड 100 तो कम से कम होनी चाहिए, अभी तो हम लोग 80 में घिस रहे हैं। अगर कानपुर यहाँ पे इंजन दे देता है तो गाड़ी में यहाँ पे इंजन चेंज किया जाएगा। फ्रांस एंड सौरभ दोनों आगे की ओर गए देखने के लिए क्या होने वाला, और मैं यहाँ सामान के आसपास हूँ। 9:40 अपना अराइवल टाइम था, 5 मिनट का हॉल्ट टाइम था, अब देखते हैं भाई यहाँ कितनी देर आज गाड़ी रुकेगी। तो ये लोकोमोटिव डिटैच हो चुका है, इसी के साथ जो अपना लोकोमोटिव था उसे यहाँ पे डिटैच किया जाता है, गुड्स लोकोमोटिव भी उसी के साथ डिटैच होता है। और अच्छी बात यह है कि कानपुर ने अपना खुद का लोकोमोटिव यहाँ पे ट्रेन को दिया आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि ये एक प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है जो कि ऑलमोस्ट राजधानी की तरह इसे प्रायोरिटी वगैरह भी दी जाती है, तो एक अच्छा लोकोमोटिव तो ज़रूरी है। और अभी तो हमने बस जर्नी शुरू ही की है, बहुत लंबी जर्नी बाकी है, बहुत सारी जगह कवर करना बाकी है। अगर इसको ऐसे ही कम एवरेज स्पीड वाला लोकोमोटिव दिया जाएगा तो ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में 12-15 घंटा लेट पहुंचेगी। अच्छा हुआ एक बढ़िया लोकोमोटिव यहाँ पे दे दिया जाता है हमको, और चलिए देखते हैं आगे का जो सफ़र है वो कैसा रहने वाला है। यहाँ पे मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस को डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है, और यहाँ पे महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। ऑलमोस्ट रात के देखो 1 बजने वाले हैं, 12:50 हो रहे हैं। ये रहा अपना लोकोमोटिव, ट्रेन का जो फेल हो गया है, इसे जलने की स्मेल आ रही थी तो उसको निकाला गया, धुआं वगैरह भी आ रहा था, और उसके बाद जो हमें रेस्क्यू करने आए थे 2 लोकोमोटिव WAG-5 के, शायद ये WAG-5 है उसके, उनको भी यहाँ पर लाया गया है।
यही वो WAG-5 है जिन्होंने हमारी ट्रेन को आज रेस्क्यू किया है, और कानपुर से नए लोकोमोटिव हमारी ट्रेन में लगाए जाएंगे। सिग्नल लोकोमोटिव लगेगा बट स्टिल, और दूसरी तरफ जो ट्रेन खड़ी है वो लिच्छवी एक्सप्रेस है आनंद विहार से सीतामढ़ी के लिए। हमारी ट्रेन के पीछे पीछे ही आई है और यहाँ पे पहुँच भी गई है। यहाँ पे आम्रपाली एक्सप्रेस भी आ चुकी है, अमृतसर से चलकर कटिहार को जाने वाली है, और यहाँ अपना डीले तो भाई बरकरार है। आने का समय आपने देखा, अब जाने का समय देख लो, और अब हम लोग जाके कानपुर से निकल रहे हैं। यार बहुत रुला दिया कानपुर ने। जोधपुर से चलकर वाराणसी सिटी को जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस यहाँ पे देखिए सामने आ चुकी है। फाइनली अपनी अरुणाचल AC एक्सप्रेस नाहरलगुन AC निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। रूट होने वाला है लखनऊ से होकर के गोंडा के रास्ते गोरखपुर वाले रूट से निकलेंगे, आगे सिवान छपरा होते हुए बरौनी कटिहार वाले रूट में बढ़ने वाले हैं, उसके आगे NJP रंगिया होते हुए पहुँचेंगे हरमुती और नाहरलगुन। फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अभी सोया जाए, आँखें एकदम देख लो, शक्ल देख लो, इन लोग हाल देख लो, बहुत बुरा हाल है यार, अभी सोया जाए। अब दिन में जहाँ नींद को लेगी वहीं से रिकॉर्डिंग शुरू होगी, कुछ फिक्स नहीं कर रही मोरी शॉर्ट आएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे थकान और हो गई, और एक्चुअली वेट करने में ज़्यादा बुरा लगता है। अगर ट्रेन चल रही होती तो वो थकान नहीं होती जो अभी यहाँ पे हमें वेट करने में फील हो रही है। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है यहाँ तक, तो चलो भाई अभी सोया जाए, आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करते हैं, अभी के लिए गुड नाइट। भाई इस खूबसूरत से शहर को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, स्वागत है आप सभी का गोरखपुर जंक्शन में। सुबह 4 बजे का अराइवल टाइम था यहाँ पे हमारा, और सुबह 8:30 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पे एंटर करी है। अच्छी बात ये है कि मैं भी अभी तक सोया हूँ, रात 2 बजे हम लोग सोए, तो मैं गोरखपुर तक सोया हूँ अच्छे से। मुझे पता था आगे जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कुछ रिकॉर्ड करना है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मैंने भी भाई कोई मौका नहीं गवाया, मैं लगातार सोया हूँ यहाँ पे। और कानपुर सेंट्रल में हमारे आगे चली थी आम्रपाली एक्सप्रेस अमृतसर से कटिहार के लिए, और वो यहाँ पे भी देखें आगे आगे खड़ी है। वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन, अब इससे पहले ये पहला हुआ करता था, लेकिन अब हो चुका है हुबली रेलवे स्टेशन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला, अब हो गया है सेकेंड नंबर पर गोरखपुर जंक्शन। हमारी ट्रेन का प्लेटफॉर्म शुरू भी नहीं हुआ, और आम्रपाली का प्लेटफॉर्म आप लोग देख सकते हैं शुरू भी हो चुका है, और जहाँ हमारा शुरू होगा वहाँ उसका प्लेटफॉर्म ख़त्म होने चला जाएगा। बढ़ने
तो देखो ये कौन आया यहाँ पे। संदीप भाई गुड मॉर्निंग। चलो फाइनली पहुंच गए भाई, दोनों हाथ में कैमरा फोन। सर क्या कर रहा है? चार चार फोन एक साथ चालू है। गोरखपुर स्टेशन में केले, अंगूर, रेवड़ी सभी चीजें मिल रही है यार प्लेटफॉर्म में वो भी, और साथ साथ खाने पीने के लिए स्नैक काउंटर भी है जहाँ पे ऑमलेट से लेकर सभी चीजें यहाँ पे बनाई जा रही है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। यहाँ पे ऑमलेट तो बन ही रहा है और साथ में हम भी काफी चीजें कैरी कर रहे हैं अपने साथ। वेट कर रहे हो यहाँ पे सुबह 4 बजे? तो 4 बजे उठ गया था कि ट्रेन आएगी, लेकिन हाँ बस लेट हो गई। ट्रेन को ट्रैक किया तो 2-3 घंटे लेट हो गई। फाइनली ये सबसे दुविधा वाला टाइम होता है ट्रैक करने वाला कि कब आएगी। जल्दी जा रही है देखो भाई, यहाँ सुबह ही पहुँच गए थे, वैसे रात में ही पहुँच गए थे, रिटायरमेंट रूम लेकर वेट कर रहे थे ट्रेन के आने का, और ट्रेन बढ़िया घिसते हुए आई। हमें पता था इतना लेट होने वाला है, हम लोग सो गए, रात तक जागे थे, और मतलब 3 दिन से नॉन स्टॉप जर्नी चल रही है इसलिए हम लोग सो गए और सीधा गोरखपुर में ही उठे हैं हम लोग। ये देखिए महाराजा गट्टू सिंह, पीछे श्रेयांश जी, वो भी नींद में ही है सब लोग। गोरखपुर में ज़्यादा देर के लिए ना रुकते हुए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे। अब देखो पल वगैरह स्टेशन में अवेलेबल थे, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी ट्रेन का खाना अच्छा है पहनने का, तो कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, आपको जर्नी में कोई दिक्कत होगी नहीं नॉर्मली। तो एक और चीज़ है, जो लॉन्गेस्ट वाला प्लेटफॉर्म है वो देखो अभी भी चल ही रहा है। हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखो खत्म हो रहा है, लॉन्गेस्ट वाला प्लेटफॉर्म जो एक नंबर तरफ है वो अभी भी चल रहा है। मंदिरों की नगरी है गोरखनाथ मंदिर इसको खास बनाता है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे और काफी धार्मिक शहर है गोरखपुर। कभी अगर आपको मौका मिले तो जरूर विजिट करिएगा, काफी पीसफुल भी है। गुड मॉर्निंग भैया, बस रात में 2:30 बजे सोए थे। खाने में क्या लाए हैं आज? आज जो भी बताइए आपके लिए बोलो ना क्या लाना है। क्या है मेन्यू बताइए? अभी हमारे पास आमलेट ब्रेड है, पूरी सब्जी है, कटलेट ब्रेड है, आप हुकुम करो क्या लाना है। और सादे में कुछ और सादा पोहा वगैरह कुछ है क्या? लाइट उपमा पोहा कुछ नहीं, सब तला आइटम। पेंट्री स्टाफ भी बहुत ही प्यारा है, बोलो खाने पीने के लिए खुद से आगे प्यार से पूछ रहे हैं। बाकी यूपी में है तो प्यार तो बरसता ही है। निकल चुके हैं गोरखपुर से, अगला स्टॉप होने वाला है सिवान, फिर छपरा, फिर हाजीपुर, ऐसे बहुत सारे स्टॉप होने वाले हैं ट्रेन। ट्रेन की चाय है, अब चाय तो भाई ट्रेन की चाय जैसी ही है, और बाकी साथ में नमकीन वगैरह भी हमारी चल रही है। और आज हम लोग को लोअर बर्थ नहीं मिली, 2 साइड लोअर साइड अपर मिली, इसलिए देखो एक बंदा खड़े होकर काम चला रहा है, बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं खड़ा हुआ था उस साइड पे, श्रेयांश और सब लोग बैठे हुए थे, मतलब ऐसे ही थोड़ा सब साथ के ही है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे जर्नी में। कल खाने के टाइम भी देखा होगा थोड़ी देर श्रेयांश बैठा था, थोड़ी देर में बैठा था, बारी बारी यहाँ पे रिव्यू चल रहा था। तो करो आप लोग भी ऐसे हमारे साथ व्यूज़ को, जर्नी काफ़ी बढ़िया चल रही है। यहाँ पे गाड़ी अपनी देवरिया सदर से निकल रही है और आम्रपाली एक्सप्रेस का ओवरटेक भी यहीं पे हो रहा है, ये है कमाल की बात। आम्रपाली अभी तक आगे आगे चल रही थी, अब अरुणाचल एसी एक्सप्रेस फॉर्म में यहाँ से आ रही है। खाने पीने का जो इंतज़ाम चल रहा है, ऑमलेट है यहाँ पे और मैंने अपने लिए कटलेट लिया है। सौरभ भाई हमारे साथ तो नॉनवेज का बेस्ट रिव्यू मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और भाई बाकी लोग अलग है थोड़ा, हमारे यहाँ पे संदीप भाई और श्रेयांश है जहाँ पे कचौड़ी और आलू की सब्जी है। भाई रिव्यू करिए जल्दी से, बताइए कैसा है, है क्या? संदीप भाई का फेवरेट कॉम्बो है ना, पूरी सब्जी पराठे सब बहुत अच्छा है। सही तारीफ सब लोग कर रहे थे, रेस्टोरेंट खाना बाकी बहुत अच्छा है और सब्जी बिल्कुल घरेलू टाइप की है, बिल्कुल बिल्कुल बारात वाली, शादी बारात वाली कह सकते हो वैसी है। तो भाई यूपी की शादी बारात वाली सब्जी तो होती ही लाजवाब है।
पहले कुक थे, इसमें चिली भी है, ऑनियन भी है। काम चल जाएगा। अच्छा, अरे वाह, चलो यार, मतलब खाना सबको पसंद आया गाड़ी का। कटलेट भी बताते हैं कैसा है। कटलेट का रिव्यू देखते हैं श्यान से भाई कैसे, क्योंकि श्यान को कटलेट बहुत पसंद आते हैं। काफ़ी बढ़िया है कटलेट भी, देख लो आप, मसाला वसाला सब ठीक से पड़े एकदम मस्त है भाई। सबसे ज़्यादा मेरे को पूरी सब्ज़ी पसंद है, बट ऐसी है पूरी सब्ज़ी बहुत बढ़िया है भाई। सब लोगों ने तारीफ बहुत की है कचौड़ी सब्जी की, मैंने सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। खैर वो तो बढ़िया है, अभी कल के पराठे और करेले ख़राब नहीं हुए। हम लोग भी जब घर में पहले ट्रैवल करते थे सब लोग फैमिली साथ में, तो एक करेले बना के पूरी के साथ लेके चलते थे। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है तो बताना ज़रूर। ये भी कॉम्बो ख़राब नहीं हुआ है, कल भी स्वादिष्ट, अभी बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स लॉट टू आंटी वंस अगेन। ऐसे लगे जैसे अचार के साथ खा रहा हूँ यहाँ पे मैं पराठे, और ख़राब नहीं हुए मेन चीज़ ये। इसे जल्दी से निपटाता हूँ, आपसे मिलता हूँ सिवान जंक्शन में, क्योंकि आने वाला है वो बस। सीतामढ़ी से आनंद विहार के लिए जा रही है, आम्रपाली एक्सप्रेस से यहाँ पे ओवरटेक किया है। सिवान जंक्शन हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, उससे पहले के नज़ारे आप देख रहे हो। लिच्छवी एक्सप्रेस भी अपनी आनंद विहार तक शिफ्ट हो गई है, तो आप लोगों को पता ही होगा। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, इसमें भी ट्रैवल करने का काफ़ी दिनों से सोच ही रहे हम लोग। अपनी ट्रेन भी काफ़ी लंबी थोड़ी ट्रेन है भाई। लिच्छवी बढ़िया गाड़ी है, इसमें आपको एसी फर्स्ट क्लास, टू टीयर, थ्री टीयर सभी क्लासेस देखने को मिलेंगे। ये शायद है कि पटना अहमदाबाद की गाड़ी जंक्शन में हम लोग एंट्री लेते हुए, प्लेटफॉर्म लेकिन दूसरी तरफ है और दरवाजे पे भीड़ जो है वो लग चुकी है लोगों के उतरने की। का टाइम था भाई सिवान जंक्शन पहुंचने का, और यहाँ पे 10:30 बजे जाकर के हम लोग पहुंचे हैं सिवान जंक्शन में। वैसे आप लोगों को बता दूं, यहाँ से एक हथुआ के लिए लाइन गई हुई है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी भीड़ यहाँ पे अच्छी खासी उतरी है हमारी ट्रेन से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग यहाँ पे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ उतरेगी। पर इतनी ज़्यादा भीड़ देख करके अब लग रहा है कि यार वाकई में देखो आप लोग ट्रेन से कितने सारे लोग यहाँ पे उतरे हैं, और अब उम्मीद ज़्यादा हो गई है कि अब छपरा में भी ज़्यादा लोग यहाँ पे उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। बल्कि कोई डेली गाड़ी नहीं है, फिर भी आपको इतनी तगड़ी भीड़ यहाँ पे देखो इस गाड़ी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। सोचो डेली होती तो क्या होता, इसका हाल वैशाली लिच्छवी एक्सप्रेस जैसा ही हो जाता, बढ़िया भीड़ इसमें चढ़ती और सीट अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाती। वैसे भी इस ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी काफ़ी टफ है, आपको एडवांस में 1.5-2 महीने पहले से प्लान करना पड़ेगा अगर आप इसमें सीट चाहते हो। ये पूरी एसी गाड़ी है और इसमें मतलब बाकी सादे पैसेंजर अलाउ नहीं है, दिक्कत वो है। और यहाँ लोग जनरल समझ के इसमें भी चढ़े जा रहे हैं गाड़ी में, अलाउ नहीं है भैया इसमें। पीछे एक और गाड़ी आएगा उसमें जाइए, आम्रपाली आ रहा है पीछे पीछे, उसमें जाइए। आम्रपाली जस्ट पीछे आ रहा है इसके, यहाँ अपना भी सिग्नल हो चुका है निकलने का। ये गाड़ी में ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना सब कुछ दिक्कत होती है, लोग रैंडम चढ़ ही जाते हैं ना चाहो कुछ हो। अभी 5 आदमी को उतार चुका है, इसको भी समझा रहा हूँ गाड़ी चलने के बाद से, ये भी जबरदस्ती चढ़ा हुआ है यहाँ पे। सबसे डांट खा के गाली खा के बेशर्मी जाना ही है गाड़ी में। किसी राज्य से दुश्मनी नहीं है, किसी ऐसी चीज़ से दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार खुद को रिकॉर्डिंग के लिए भीड़ नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा अलग कैटेगरी है। मेरे को रूट दिखाना है, मेरे को नज़ारे दिखाने हैं, मुझे वो शहर दिखाना है। लेकिन क्या है यहाँ पे, मुझे इसलिए 2 AC AC क्लासेस पसंद है क्योंकि खाली गाड़ी चाहिए, हमारे पास लैपटॉप रहता है, महंगी महंगी चीज़ें रहती हैं। जब पैसेंजर्स ओवरलोड होते हैं गाड़ी में, जब क्राउड ज़्यादा होता है तो चोरियाँ भी ज़्यादा होती हैं, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बिना टिकट चढ़ेगा उसका कोई गारंटी नहीं कि वो कहाँ उतरेगा क्या है,
कुछ भी लेके उतर जाएगा, चाहे वो वेंडर भी क्यों ना हो। इसीलिए भीड़ वाली ट्रेनों का अवॉइड करता हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश हो गया ट्रेन के दरवाजों में, लोग बिना टिकट चढ़ रहे हैं, हमको यहाँ जाना हमको वहाँ जाना, ये भी नहीं पूछा कि स्टॉप है कि नहीं। अभी राजधानी कैटेगरी टाइप की ट्रेन है ये ऑलमोस्ट, मतलब स्टॉप जैसी बात की जाए तो, और इसमें चढ़ गए हैं सब। अब जब फाइन लेने की बारी आएगी सब हाथ जोड़ लेंगे, टीटी भी मजबूर हो जाते हैं ऐसे में, क्या ही करेंगे। वो भी हर आदमी को तो जेल भी नहीं भेजना चाहेंगे ना, कोई किस उम्र का है, कोई किस काम के लिए जा रहा है, कोई मजदूरी करने जा रहा है। मजदूर इंसान को आप परेशान करना चाहोगे? नहीं, कोई परेशान नहीं करना चाहता है। लेकिन वही बात है ना कि समझ की बात है, यहाँ पे एक जो ज़िद है लोगों के अंदर वो ज़्यादा है, मतलब कि हमें ट्रैवल करना है तो करना है। मैं समझाता रहा लेकिन कई लोगों को तो मैं उतार पाया, बहुत सारे लोगों को तो नहीं उतार पा रही है। तो मैं 2 AC का बता रहा हूँ, 3 AC वगैरह का तो बहुत ही बुरा हाल होगा, जहाँ लोग जनरल कोच समझ के चढ़ जाते हैं गाड़ी में। तो लो बाकी ट्रेन अपनी सिवान जंक्शन से तो निकल चुकी है, बाकी यहाँ तक जो जर्नी थी काफ़ी बढ़िया थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। डिनर बढ़िया मिला, डिनर में तो वैरायटी भर भर के मिली। उसके बाद सोच रहे थे कि दिल्ली कानपुर सेक्शन है, रिकॉर्डिंग कम करेंगे, इसलिए अलीगढ़ टूंडला वगैरह स्किप वगैरह हमने नहीं लिए। सोचा था कि आपको कंटेंट कुछ और दिखाएंगे, लेकिन यार लोगो फेल हो गया, फिर वो सभी चीज़ आपको दिखानी पड़ी, उसके बाद डिले वगैरह हो गया काफ़ी। दे दो भाई कुछ हमसे, मैं दफा देना चाहिए बाबा। AC क्लासेस का हाल है, चलाते हैं फिर से देना। आप इनको 10 रुपए दोगे तो उसको 100 रुपए देंगे। हम लगा चलाते हैं 80 दीजिएगा, जब जाते ना 10 रुपए दोगे 100 रुपए देंगे। दे दो 20 दे दो, दे दो ना, दे दो ना, दिल से दिया है तब ठीक है। तो भाई देख लो ऐसे जो जर्नी है अब चलने वाली है, बाकी सब AC में, सब नॉर्थ ईस्ट में तो फिर गए काम से, इसमें तो स्लीपर भी नहीं है ना, कहाँ से शुरुआत है। कम से कम 6-7 रुपए दिए होंगे, 10-10 करके भी बहुत लुट गए थे। इस जर्नी के इस हिस्से को यहीं पेंट करते हैं, क्योंकि छपरा के आगे का जो हिस्सा जहाँ पे हम लोग कटिहार वगैरह न्यू जलपाईगुड़ी ये सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे, वो अगले पार्ट में आने वाला है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कानपुर में लोको फेलियर ने तो भाई हमारे वीडियो को बढ़ा ही दिया, लेकिन आप भी समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है जब किसी ट्रेन का लोकोमोटिव फेल होता है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना, ट्रेन क्योंकि कई बार खड़ी हो जाती है घंटों, राजधानियों ने फिर हमें ओवरटेक किया, प्रीमियम गाड़ी ने किया, इसी बार ने आपको सभी ट्रेन दिखा पाया, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपने समझी। और फिर इसी के साथ साथ संजीव भाई हमें ज्वाइन हुए हैं आज गोरखपुर से, सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला, आपने स्टेशन देखा, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखी, अगले वीडियो में और मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे इस जर्नी के पार्ट टू में। तब तक आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, इंस्टाग्राम ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं जर्नी अपनी सोलह शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और डिले है 4.5 घंटे का, देखते हैं पार्ट टू में कितना रहता है, पहुँचते कब है नहरलगुन।